Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, Class 4, Subject Mathematics, Lesson 11, Measurement. Student, how are you all? Hope you all are doing well at home. Yes? Good. So, my dear student, now it's time to your study with pencil, book and notebook. Yes? Good. We will start chapter 11, that is measurement. And do you remember, have already completed measurement of length, weight, capacity? Ye hum already kar chuke hain previous classes. Yes? Okay. Exercise 1. First point is fill in the blanks. So, beta, aapko ye book mein complete karna hai. Now, next question. That is problem sums. So, jaldi se aap notebook open kijiye. Date daliye. Okay. So, let's start. Question second. Madhu traveled. Car. Car se usne kitna travel kiya? 23 kilometer and 200 meter. And Madhu travelled by bus. Bus से कितना travel किया? 48 kilometer. So बहुत आसान है. इसमें हमें क्या find out करना है? Total distance. Total distance Madhu ने कितनी cover की? So हम उसके लिए total number निकालने के लिए क्या करेंगे? Very good. So yes, addition करेंगे. Very good. So first of all, we write the numbers in proper columns. देखिए, look at here. Here is kilometer, we write in kilometer and meter in meter columns. देखिए मैंने separately लिखा है, so आपको भी ऐसे ही लिखना है. चलिए, now solve it. Okay, so 0, 0 plus 0 is 0, 0 again and 2 plus 0 is 2. बेटे, जब same आप addition and subtraction जो करते हैं, उसी की तरह होगा, बस आपको यहाँ columns में separate लिखना है. Okay, now 8 plus 3, 8 plus 3 is 11, carry 1, 2 plus 1 is 3, 3 plus 4 is 7. So, my dear student, now we write the answer. So, she means Madhu, she travelled 71 kilometer and 200 meter. So, my dear student, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन है, सेम एज सब्ट्रैक्शन आप करेंगे, सिट को प्रॉपर कॉलम में लिखेंगे, देन यू सब्ट्रैक्ट. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डू इन योर नोटबुक. नाउ ओपन पेज नंबर 112 एंड लुक एट हियर. देखिए, यहाँ जो टेबल है, जो बेसिक यूनिट्स की टेबल है, आपको केयरफुली इसको देखना है. वी मेजर द स्मॉलेस्ट थिंग विद सेंटीमीटर से, लाइक कॉम, बुक, पेंसिल. तो इसके लिए बेटा ओके, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं. बट व्हेन वी सम लार्जर थिंग लाइक प्लेग्राउंड, स्कूल, क्लासरूम, तो उसके लिए हम मीटर का यूज करते हैं. और बेटा, जब किसी डिस्टेंस की बात होती है, तो लाइक वन सिटी टू अनदर, तो उसके लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं. ये आप जानते हैं. सो बेटा, किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, ये आप जैसे कि जानते ही हैं. एक्सरसाइज सेकेंड, पेज नंबर 112. ओके, लुक दिस एग्जांपल. सर्कल द करेक्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. आपको यहाँ जो बॉक्स दिया हुआ है, आपको प्रॉपर यूनिट पर सर्कल बनाना है. सो आप केयरफुली से देखिए. डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, मुंबई दिल्ली से मुंबई डिस्टेंस आप किस में मेजर करेंगे? यस, वेरी गुड, किलोमीटर. सो किलोमीटर पे आप केएम पर सर्कल कीजिए. गुड. नेक्स्ट, लेंथ ऑफ पेंसिल, पेंसिल की लेंथ को आप किससे मेजर करेंगे? यस,
वेरी गुड. लेंथ ऑफ पार्क, पार्क को आप मेजर किससे करेंगे? मीटर. सो बेटा सेम एज आपको केयरफुली इसे देखना है एंड अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट आपको सर्कल बनाना है. ओके, नाउ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. ये ध्यान रखना है बिगर यूनिट से जब हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं देन वी मल्टीप्लाई. ओके, लुक दिस एग्जांपल इज 4 किलोमीटर इनटू मीटर, मींस 4 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है. सो एज यू नो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. ओके, सो 4 किलोमीटर इक्वल्स टू 4 × 1000 meter. So the answer is 4000 meter. So clear हो गया. Next example देखिए. 2 meter 50 centimeter × centimeter. 2 meter. So as you know, 1 meter equals to 100 centimeter. 2 meter equals to 2 × 100 centimeter plus 50 centimeter. Because 50 centimeter already centimeter में है, इसीलिए इसको मैंने direct लिखा है. Now we convert. So 2 × 100 is 200 centimeter plus 50 centimeter. So the answer is 250 centimeter. Okay, so clear हो गया? Yes, 2 meter 50 centimeter equals to 250 centimeter. Okay, we do exercise third. So okay, जल्दी से notebook में आप exercise third डालिए. Here is 7 meter 45 decimeter × decimeter. Decimeter में convert करना है. So first of all, yes, we write 1 meter equals to 10 decimeter. आपको ध्यान रखना है बेटा 1 meter equals to 10 decimeter. So 7 meter equals to 7 × 10 decimeter plus 45 decimeter. Because ये already decimeter में है, so मैंने इसे direct लिखा है. Now 10 × 7, so here is 17 decimeter plus 45 decimeter. So the answer is 115 decimeter. Student, same as do 6 question from this exercise. Now exercise 4. So my dear student, convert the following 55 millimeter × centimeter. Here is when we convert smaller digit to biggest, then we divide. 1 centimeter equals to 10 mm. So 55 mm, 1 centimeter equals to 10 millimeter. So 55 millimeter equals to 55 divided by 10 centimeter. So the answer is 5 centimeter and 5 millimeter. Same as do exercise 4. Now exercise 5. So my dear student, first of all we learned about measurement of weight before start exercise 5. 1 kilogram equals to 1000 gram and 1 gram equals to 1000 milligram. बेटा जब किलोग्राम से हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होता है देन वी देखिए किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है देन वी मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड ग्राम से जब मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होता है देन वी अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1000. सो आपको क्लियर हो गया बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज 1000 ग्राम equals to 1 kilogram and 1000 milligram equals to 1 gram. So beta yahan dekhiye when we convert, dekhiye milligram ko gram banana hai then we divide by 1000 and gram se kilogram banana hai then we divide the digit by 1000. So aap
आपको ये क्लियर हो गया बेटा? आपको ये ध्यान रखना है, जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा देन वेरी इजीली यू कैन सॉल्व द फॉलोइंग एक्सरसाइज. ओके, वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5. एंड लुक एट हियर, कन्वर्ट द फॉलोइंग. हियर इज 12 किलोग्राम इनटू ग्राम. 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. सो 12 किलोग्राम इक्वल्स टू 12000 ग्राम. वेरी गुड. सो द आंसर इज 12000 ग्राम. क्लियर? यस. नाउ 4200 मिलीग्राम इनटू ग्राम. सो ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम. सो 4200 मिलीग्राम इक्वल्स टू 4200 डिवाइड बाय 1000. सो द आंसर इज 4 ग्राम एंड 200 मिलीग्राम. वेरी गुड. 4200 मिलीग्राम इक्वल्स टू 4 ग्राम एंड 200 मिलीग्राम. हाउ? एक्सरसाइज 6. मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. सो लीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. ओके, डू एक्सरसाइज 6. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 15 किलोलीटर इनटू लीटर. कन्वर्ट करेंगे. 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर. सो 15 किलोलीटर इक्वल्स टू 15 लीटर. सो द आंसर इज 15000 लीटर. इज इट क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी. 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. सो 28 लीटर इक्वल्स टू 28 इनटू 1000 मिलीलीटर. सो द 8000 मिलीलीटर. ओके, क्लियर हो गया? नाउ एक्सरसाइज 7. एक्सरसाइज 7, सिंपली एडिशन एंड सबट्रैक्शन. सो बेटा आपको वैसे ही करना है जैसे आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में एडिशन सबट्रैक्शन किए हैं. यहाँ ये ध्यान रखना है, प्रॉपर कॉलम में लिखना है. मीटर इन प्रॉपर मीटर कॉलम एंड सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर कॉलम. ओके, सो अकॉर्डिंग टू यूनिट्स आप प्रॉपर कॉलम्स में लिखेंगे. ओके, प्लस 5 इज 10. सो वी राइट 0 एंड कैरी 1 हियर. 2 प्लस 1 3. 3 प्लस 6 इज 9. नाउ 15 प्लस 8. 15 प्लस 8 इज 23. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल. सो वी टेक बोरो. नाउ इट इज 10 एंड 0 बिकम 9 एंड दिस 7 बिकम 6. नाउ 10 माइनस 5 इज 5. 9 माइनस 2 इज 7. नाउ 6 माइनस 8 अगेन नॉट पॉसिबल. सो वी टेक बोरो. Now 6 becomes 16. 16 minus 8 is 8 and this 2 become 1 and 1 minus 6 not possible. So we take borrow from again. Okay, next is it. So it is 11. Now 11 minus 6, yes, so that is 5 and it is 6. So 6 minus 6 is 0. So the answer is 5 kilometer and 875 meter. Now next exercise, that is exercise 8. First problem. So the first question is, Shilpa bought 2 liter 250 milliliter milk and Mamta bought 4 liter and 450 milliliter milk. So hame find out karna weight of total milk. Okay, so per watt milk equals to 2 liter and 250 milliliter. Mamta bought milk equals to 4 liter and 450 milliliter. So total milk equals to, dekhiye columns mein separate kiya liter and milliliter. Okay, so now we add. So 0 plus 0 is 0. 5
5 plus 5 is 10, carry 1 here. 2 plus 1, 3. 3 plus 4 is 7. And 2 plus 4 is 6. So the answer is total meter and 700 milliliter. So my dear student, complete chapter 11 with very neat and clean handwriting. Okay? And if you have any problem, then call me. Or you can send message on WhatsApp. Okay, so phir milenge next video mein. Tab tak apna dhyan rakhein. Khush rahein. Take care. Bye. My dear students, hope you enjoyed this class. And now it's time for our homework. Dear students, in your homework, complete video class work as per given instructions in your mathematics book and notebook. Okay, my dear students, see you in the next class. Till then, stay at home, stay safe, take care, God bless you.